बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर 8.3 कम एक्स्ट्रा क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये को मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए हैं 8.3 के बेस पर ये लिए हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट इनमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹3,20,000 फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर का हमें 3,20,000 का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, और उसकी जो रेट है वो 20% पर एनम है। ठीक है बच्चों, रेट देखिए 20% की बन है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, बच्चों इसमें जो इंटरेस्ट कंपाउंड होगा वो क्वार्टरली होगा, और आप सभी जानते हैं कि 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ को 1 क्वार्टर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, 3 मंथ जब हो जाते हैं तो वो 1 क्वार्टर हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको ना पता चले तो मंथ के आप क्या बना लें, ईयर के मंथ बना लें और उसको 3 से डिवाइड कर दें। ठीक है, ये कर ले। यदि फिर भी नहीं आपको मालूम होता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करें, पी ब्रैकेट 1 प्लस रेट बाई, और क्वार्टरली में यहाँ पर 400 आएगा बच्चों। ठीक है, 400, और यहाँ पे आएगा 4n, n का मतलब ईयर से। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, ये वाला। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्वार्टरली है तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। आइए चलो मैं लिखता हूँ, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो सबसे पहले प्रिंसिपल लिख लेते हैं। प्रिंसिपल है ₹3,20,000। ठीक है बच्चों, ये आ गया, और रेट है आपकी 20% पर एनम है, ये मैं लिख देता हूं, और टाइम है आपके पास 1 ईयर। ठीक है बच्चों, ये आइए इसका हम सीधे से अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, अगर चाहे तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये वाला मैंने यहां ऑलरेडी लिख दिया है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रिंसिपल लिखा है तो प्रिंसिपल लीजिए 3,20,000, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट बनाएंगे, 1 प्लस रेट, रेट है आपकी 20, और नीचे 400 लिखा है, क्वार्टरली में आपको 400 लिखना है, और फिर लिखा 4n यानी 4 × 1। ठीक है, n का मतलब 1, ईयर से होता है, और ईयर हमारे कितने हैं 1, और 4n के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई का साइन इसमें लगा दिया है। आइए इसको मैं एक बार फिर लिख लेता हूं, और चाहे तो आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, 0 से 0 और 2 1 2 2 2 4 0। ठीक है, इस प्रकार आइए 3,20,000 ये मैंने लिख दिया, और ब्रैकेट देखिए यहाँ पर 1 प्लस 1/20 आ गया। ठीक है बच्चों, और 4 1 4 ये आ गया। तो इस ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो चुका है सोल्व करने के लिए। आइए हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, 3,20,000। अब देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, बार बार बताता हूं आपको करना क्या है। ज्यादा कुछ नहीं करना, या तो आप इसको एलसीएम लेके नीचे मनमान के एलसीएम लेके कर ले, या फिर शॉर्टकट मेथड क्या होता है, जो भी यहां देखिए सेकंड डिजिट पर जो भी यहां डिनोमिनेटर होता है उस डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर को ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 20 में अगर 1 ऐड करें तो 21, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई का साइन लगा के 21 बाई, और ये यू का भी लिखना है 20। ठीक है बच्चों, और 4 है तो इसको 4 टाइम्स लिखिए, यहां से 21 बाई 20, 21 बाई 20 और 21 बाई 20, ऐसे आपको लिखना है। अब इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर 40 है, 40 10 20 30 40, तो 40 से 40 हमने डिवाइड कर दी। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 हो गया बच्चों इनका, और 16 से 32 को डिवाइड करते हैं तो 2 पे जाता है ऐसे। ठीक है बच्चों, अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जो भी मल्टीप्लाई करने पर जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपका अमाउंट होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें अमाउंट फाइंड नहीं करना है, हमें क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अमाउंट फाइंड करना पड़े तो वो आपका आंसर बन जाएगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना पड़े तो आपको क्या करना है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना। आइए इसको मल्टीप्लाई करके हम यहां लिख लेते हैं। देखिए बच्चों,
21 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 441 आता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, अरे इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 441 आएगा। और अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, आपका आंसर आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको फिर 2 से करना है, ठीक है। आइए करते हैं मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 4 से 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17। अब 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो 2 डिजिट के नीचे क्रॉस, अब ये भी 4 से करना तो सेम वही रिजल्ट आने वाला है, तो मैं लिख देता हूँ 4 6 7 1, ठीक है बच्चों। आइए इसको ऐड कर लेते हैं, 1 का 1 4 और 4 8 और 6 और प्लस 4 10 और 4 14 का 4 कैरी 1, 7 और 6 13 और 1 14 का 4 कैरी फिर 1, 7 और 1 8 और 1 9 और 1। ये आपका 21 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आएगा। इसको फिर हमें देखिए बच्चों, इसको फिर हमें इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आइए हम 2 से मल्टीप्लाई और कर लेते हैं तो आपका अमाउंट आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 6 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, ठीक है बच्चों, ये आ गया। आइए मैं इसको लिख देता हूँ, 388,962 रुपीज, ठीक है बच्चों, ये आपकी अमाउंट आ गई, ये आपका अमाउंट आ गया। लेकिन आपको अमाउंट तो फाइंड करना नहीं है, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देना है, ठीक है बच्चों। अगर एग्जाम में मान लीजिए इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है और उसमें सिर्फ पूछा जाता है कि क्या अमाउंट होगी, व्हाट इज द अमाउंट, तो आपका आंसर फिर ये रहेगा। लेकिन इसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए 388,962 माइनस 320,000, ये देखिए ये माइनस करना है। अब इसको आप इधर माइनस करके देख सकते हैं, ये ही था ना, हाँ, इसमें से हम 320,000 को माइनस कर देते हैं, 2 का 2 6 9 8 और 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, ये आपका आंसर आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 68,962। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।